भारत और इसराइल के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। इन दिनों इसराइल रेड कारपेट बिछाए पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी जल्द ही इसराइल के ऐतिहासिक दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में इसराइल की बेसब्री उनकी आंखों में साफ झलक रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अहूदियों के त्यौहार पासओवर पर इसराइल के पीएम बेंजामिन को शुभकामनाएं दी थी, जिसके जवाब में बेंजामिन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही बेंजामिन ने मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि इसराइल की जनता उनके ऐतिहासिक यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज के दौर में हथियार आपूर्ति के मामले में इसराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। इस दौर में एंटी टैंक मिसाइल और नेवल डिफेंस सिस्टम से लेकर कई अहम समझौते होने हैं। वैसे आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी पहले भी इसराइल जा चुके हैं, लेकिन 1992 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बहाल होने के बाद मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इसराइल का दौरा करेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।